के लिए ही पीएम मोदी एक कठिन अनुष्ठान कर रहे हैं, यम नियम का पालन कर रहे हैं। श्री राम संकल्प के लिए जब पीएम मोदी का कठिन तप। तो यम क्या है? तो यम के विषय में कहा गया कि पांच प्रकार के यम होते हैं, आपका अहिंसा, सत्य, आस्तेय और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये पांच प्रकार के नियम यम होते हैं। जमीन पे सो रहे, अपने खाने से पहले गौ माता को खिला रहे, मंदिर मंदिर जा रहे हैं, यम नियम का कठिन पालन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ 11 दिनों के इस बेहद कठिन तप में यम नियमों का पालन कर रहे हैं, बल्कि प्रभु राम ने अपने वनवास काल में जहां जहां वास किया, उस हर मंदिर, उस हर धाम में पीएम मोदी विशेष पूजा कर रहे हैं। जहां जहां राम के निशान, वहां वहां मोदी का अनुष्ठान। नियम में आपके हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच माने शरीर मन की शुद्धि, संतोष माने संतुष्ट रहना और प्रसन्न होना। नासिक के कालाराम मंदिर से शुरू हुआ मोदी का अनुष्ठान, 10वें दिन तमिलनाडु में भगवान रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना और विशेष अनुष्ठान तक पहुँच चुका है। मंदिर परिसर के भीतर 22 तीर्थों में प्रधानमंत्री मोदी ने डुबकी लगाई। पीएम मोदी अनुष्ठान के 10वें दिन धनुष कोड़ी भी पहुंचे, जहां मान्यता है कि यहीं से राम सेतु के निर्माण की शुरुआत हुई थी। श्री कोठंडा रामा स्वामी मंदिर में भी पीएम मोदी ने दर्शन किए। यहां की मान्यता है कि विभीषण से पहली मुलाकात श्री राम ने इसी जगह पर की थी। जहां पड़े राम चरण, हर उस धाम को नमन। ये व्रत अनुष्ठान का अर्थ होता है संकल्प, और ये संकल्प ऐसा है, इसमें भौतिक रूप से मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों प्रकार से मनुष्य को अपने जीवन में बड़ी संतुलन रखना होता है, संयम रखना होता है। 10 दिनों का अनुष्ठान के बाद अब 11वें दिन प्राण प्रतिष्ठा की बारी है। कल का सूर्य अयोध्या में प्रभु श्री राम के दिव्य तेज के साथ आसमान में चमकेगा। सरयू के प्रवाह में राम धुन का संगीत और अवधपुरी के हर प्राणी की जुवा पर जय सियाराम का जयकारा होगा। प्रभु राम अब आ गए हैं।